अबे ऐसे नहीं पत्थर खत्म होने वाले हैं, नहीं समुंदर का पानी भरने वाला है। तू क्या मेहनत कर रहा है यार? कल था लखनऊ और दिल्ली का मैच तो क्या ही था। दिल्ली मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था आखिरी तक कर क्या रही थी। वहाँ पे 10 बॉल में 61 रन चाहिए थे, अगर हिसाब भी लगाने बैठे अगर हर बॉल पे भी छक्का मारे तो भी एक रन से दिल्ली हारती। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं तो यही सोच रहा था अक्षर पटेल भाई खाम खाई कौन सी मेहनत कर रहे हैं, और अगर मेहनत कर भी रहा था भाई बॉल रोकने में मेहनत कर लो ना यार। क्या तुम लोगों को मार्क वुड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था? और उधर भाई मार्क वुड को पता नहीं क्या ही हो रखा था, विकेट पे विकेट विकेट पे विकेट। मुझे पता है मार्क वुड सर आप पिछले 2022 में आईपीएल में नहीं खेल पाए थे, तो उसका बदला इस बार निकालो क्या? जली ना, तेरी भी जली ना। आती आपने तो इतनी विकेटें चटका दी, इतनी विकेटें चटका दी। Yes, it will be a 5-wicket haul. We'll get another wicket. He has just been a dream. वैसे आईपीएल की पहली सेंचुरी में हमें देख ऐसा तो क्या हुआ, अपने अपने घर में तो हर कोई शेर होता है। अगर दम है ना तो दिल्ली की टीम से दिल्ली में आके लड़ो, तब बात करते हैं, गल्ला करते हैं। दिल्ली से है बैट। दिल्ली की बस मेरे को कल दो ही चीजें अच्छी लगी बस, एक वार्नर की हाफ सेंचुरी और एक ऋषभ पंत की वहाँ पे जर्सी टंगी हुई थी, बस उसके अलावा मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा। मैंने तो कल मैच गलती से पंजाबी में स्विच कर दिया। ओए होए होए, जो पंजाबी में ले रहे थे भाई, पंजाबी में बोलते हैं ओ हरा है नी जी, ओ धोया है, ओ धोया है, ओ बिना वॉशिंग मशीन के धोया है, ओ वुडने वुडिया पाड़ दित्ती। अगर तुम लोगों को लाइव रोस्टिंग देखनी है तो सीधा पंजाबी में लाइव मैच स्विच कर दो, मजा ही आ जाएगा। एक मेरे को ये नहीं पता है भार वाले क्रिकेटरों ने कौन सा अलग लेवल का स्कैम मचा रखा है यार। पहले तो बेन स्टोक्स बोलते कि मैं बैटिंग करूंगा, मैं बॉलिंग नहीं करूंगा। चलो वो बात अलग है, उसके तो घुटने में लगी हुई है। पर मुझे ये बताओ स्टोनिस और मिचेल मार्श का कौन सा बहाना होगा, आप ये बताओ। स्टोनिस ने तो 10 बॉल में 12 रन बनाए, इस हिसाब से एक बॉल 1 करोड़ की पड़ी है, 10 करोड़ का प्लेयर है। स्टोनिस बोलता अगर और खिलाना भैया और पैसा लगेगा, अब उसको कोई 25-30 करोड़ दे दो तब तक 25-30 बॉल खेलेगा और तब रन बनाएगा। और दूसरी तरफ 6.5 करोड़ का प्लेयर मिचेल मार्श आते लेके गया है। मुझे ये नहीं पता केएल राहुल दोबारा फॉर्म में कब देखने को मिलेगा यार, हमें कल भी सेम परफॉर्मेंस, सेम मैच, सेम एनर्जी, वाह वाह। कंसिस्टेंसी हो तो ऐसी ओवर ना तो ना ही हो भाई। और कल मैंने यूट्यूब खोला और यूट्यूब में क्या देखता हूँ, सुनील शेट्टी हुए केएल राहुल से नाराज। तुमसे तो पूछ के नाराज हो रहा है ना सुनील शेट्टी, सुनील शेट्टी तो बोलता होगा तेरे को जायदाद से बेदखल कर दिया मैंने, तुम बताइए ये क्या है। बड़ी बेकार डबिंग थी मेरे को भी पता है। मैच में मैं एक जगह कंफ्यूज हो गया, जब मार्क वुड ने बाउंसर मारी सरफराज खान बॉल से बच रहे थे या शॉट मार रहे थे वो मेरे को समझ में नहीं आया। वो असल में सरफराज खान को भी समझ में नहीं आया, उन्होंने मुड़ के देखा भाई छक्का गया क्या, ना चल भाई आउट हो गया अपन तो। गौतम गंभीर उधर गंभीर होकर बैठे हुए नाखून खाए जा रहे हैं। अरे गौतम गंभीर सर मेरे को तक कॉन्फिडेंस हो गया कि 10 बॉल में 60 रन नहीं बन सकते, आप क्यों टेंशन लेके बैठे हो। दूसरी तरफ दादा और पॉन्टिंग कल के मैच में नाराज हो गए, इंपैक्ट प्लेयर का रूल ऐसा है, दादा बोलते कि आउट प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर कैसे आ गया, पर रूल तो रूल होता। हुआ क्या, आयुष बदूनी हो गया आउट, उसकी जगह भेज दिया कृष्णप्पा गौतम को, और इंपैक्ट देखो आप इसे बोलते हैं इंपैक्ट, लास्ट बॉल में सीधा छक्का, 600 की स्ट्राइक रेट, वो एनू कह नहीं इंपैक्ट। अब बात करते हैं आरसीबी और मुंबई इंडियन की। कल आरसीबी ने जो धोया है ना भाई, फोप साहब ने तो खोप बिठा दिया पूरी मुंबई इंडियन के, क्या ही शॉट मारे भाई जबरदस्त, अपने फोप साहब तो मैन ऑफ द मैच रहे कल के मैच के। हाफ सेंचुरी तो ऐसे ठोक दी जैसे तो भाई कुछ भी नहीं था। जोफ्रा आर्चर भी सोच रहा होगा भाई आज कौन सी रेडबुल पी के आए कोहली भाई, यार तो खाल उतार दी। आरसीबी का भाई मैं बहुत बड़ा फैन, और मुझे ऐसा लगता था आरसीबी क्यों नहीं जीती चैंपियनशिप आईपीएल, पर जो परफॉर्मेंस कल दिखाई है ना इस बार तो मुझे लगता है आईपीएल आरसीबी लेके जाएगी। क्या ही फॉर्म है यार जबरदस्त, एक तरफा मैच, दो बंदे आए, वो बोलते ना कितने आदमी थे, दो ही आदमी थे भाई, दो आदमी आए और घमासान मचा के चले गए। एक बार को तो लगा था रोहित शर्मा ही कैच ड्रॉप होगी तो चलो रोहित भाई को जलवा छलवा दिखाएंगे, पर कुछ नहीं करा भाई 10 बॉल पी के चले गए। अरे रोहित भाई इससे बढ़िया 10 बॉल तिलक वर्मा को देते, कम से कम सेंचुरी तो बना लेता वो तो भला हो तिलक वर्मा का कितने रन तक लिया आया। वरना अगर मुंबई इंडियंस का स्कोर कार्ड देखोगे तो ऐसे लग रहा है 5-10-15-20 जैसे तो 5-5-10-10 रनों का भाई चंदा दे रहे हैं। तिलक वर्मा ने इज्जत का तिलक लगा दी मुंबई इंडियंस की, इज्जत से आ रही है। विराट कोहली का मैच और डांस ना ऐसे तो हो ही नहीं सकता, विराट कोहली तो भैया अपने वहीं पे झूमने लग गए ऐसे बिल्कुल रिलैक्स मूड, जिसको बोलते हैं गोवा के बीच पे आया है। उधर फोप साहब ने शॉट मारा और इधर अपने विराट कोहली भाई ये
कोई दिक्कत नहीं है, झूमे। वैसे रोहित भाई दिल के बड़े दिलदार हैं। रोहित भाई ने तो पहले टीम को बोल दिया, भैया मेरी एक कैच ड्रॉप हुई थी, तुम लोगों को दो ड्रॉप करनी है, अपन उधार नहीं रखते किसी का। और वही हुआ, जोफ्रा आर्चर ने उधर विराट कोहली कैच छोड़ी, और जोफ्रा आर्चर भी सोच रहा होगा ये तो भाई बहुत बड़ा पाप हो गया। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी जोफ्रा आर्चर की, जो धोया है भाई फिर विराट भाई ने। ओहो, सीखो रोहित भाई, इसको बोलते हैं मौके का फायदा उठाना। कैच ड्रॉप हुई और फिर तो फटाफट रन लगे। और दूसरी तरफ ईशान किशन ने फोफ साहब की कैच ड्रॉप कर दी, फिर तो क्या था भाई, फोफ साहब ने तो जो खोफ बिठा दिया फिर तो बस पूछो ही मत। फिर मुंबई इंडियन नहीं उठी, फिर तो मुंबई इंडियन ने हाथ ही जोड़ दिया, भाई हमसे गलती हो गई। और लास्ट बॉल में तो विराट भाई ने छक्का मारे जीत दिलाई है। जिस स्पीड से विराट भाई रन बना रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं गोवा हुआ की ट्रिप बुक कर रखी है, फटाफट रन बनाओ यार, इतना काम नहीं होता। रन बनाकर ना सीधा गए भाई, और जैसे मैंने बताया था भाई, जितने विदेशी प्लेयर उन्होंने तो सही में चूना ही लगा दिया। कल भी ग्रीन भाई ने 5 ही रन बनाए, 17.5 करोड़ दिया भाई ग्रीन भाई। और दूसरे तरफ 10 गुना कम कीमत वाले 1.7 करोड़ वाले तिलक वर्मा साहब ने 10 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस दी है। अजीब लेवल का धांधलेबाजी चल रही है। इंडियन प्रीमियर लीग की जगह इंजरी प्रीमियर लीग नाम रख दो। जिस हिसाब से प्लेयर इंजर हो रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हर मैच में एक इंजरी तो पक्की है। पिछली बार अपने विलियमसन इंजर हो गए, इधर भाई 2 प्लेयर इंजर हो गए, इंजरी का सिलसिला चलता ही जा रहा है। वाह यार, थोड़े से मीम देखते हैं। टुडेज मैच, ये देखो मैं इस चीज की बात कर रहा था, गौतम गंभीर को देखो जरा कितने सीरियस हैं यार। अरे खुश हो जाओ गंभीर भैया, इतना भी क्यों गंभीर रहना, आप लोग मैच जीत चुके हो। एक दो मैच में जल्दी आउट हो जाता हूँ, लोग ये ना बोलेंगे सिर्फ आईपीएल में अच्छा खेलता है ये, वेरी गुड। ये चीज देख के मैं खुश हो गया, चलो अपने राहुल भाई पैसों के लिए खेलते, कंसिस्टेंसी ऐसी है। वेल प्लेड काइल मायर्स, 73 in just 38 balls विद 2 चौके 7 छक्के। डी सिफेन आफ्टर केएल राहुल डिसमिसल, काइल मायर्स तुम्हारे पीछे, अंडरटेकर खड़ा है। अच्छा टुडेज मैच उबासियां। वैसे ये तो बात सच है यार, मैं भी खुद ऐसे लेट के मैच देख रहा था, मैं ना ठीक है, हारनी तो है ही, बस एक गलती रह गई यार, सट्टा खेल लेता पक्का जीत जाता मैं, कल तो पूरा कॉन्फिडेंस था मेरे को। नाम में वुड देख के लकड़ी समझे क्या, विकेट टेकर है मैं। पर एक बात है भाई, जो वुड ने बॉलिंग करी है जबरदस्त, उधर सरफराज खान के मुंह पे साफ टेंशन नजर आ रही है भाई, वुड आ गया ना। दिल्ली कैपिटल बैटर फेसिंग मार्क वुड, तुझे बॉल दिख रही है? भाई नहीं दिख रही, इतनी स्पीड से बॉल आ रही है, बॉल ही नहीं दिख रही, 148 की स्पीड से आ रही है, बॉल कहाँ से दिखेगी। मार्क वुड मार्क वुड स्टार्ट सीजन पर डीसी बैटर्स टेंशन बैठ गई भाई। ऋषभ पंत वॉचिंग टुडेज मैच, मैं होता तो ऐसे ऐसे जिता जिता, ये बात तो सही भाई, ऋषभ पंत कल आपकी कमी बहुत महसूस हुई, आप कहाँ थे यार, आ जाते यार, बहुत मिस कर रहे थे आपको। ऋषभ पंत फ्रॉम हॉस्पिटल आफ्टर वॉचिंग दिल्ली कैपिटल परफॉर्मेंस, चाबी कहाँ है, मेरे को तो मोटर गाड़ी की चाबी, मैं जाऊंगा वहां जिताने। मुंबई इंडियन सर्चिंग फॉर विन इन फर्स्ट मैच ऑफ आईपीएल सिंस लास्ट फ्यू ईयर, ये तो बात है भाई, मुंबई इंडियन कभी पहला मैच नहीं जीती आज तक, इतिहास में रिकॉर्ड रहा है। चेन्नई सुपर किंग फैन टू आरसीबी टुडे, आरसी वर्सेस मुंबई। मैं तो दिल्ली वाला मैच सोच के सोच रहा था भाई, क्या धोया है, धोना तो इसको बोलते हैं भाई, बिना सर्फ के, बिना वॉशिंग मशीन के, बिना हाथों के, डायरेक्ट धोबी घाट वाली धुलाई। विराट कोहली 28 रन अगेंस्ट आर्चर टुडे, ये देखो आर्चर की हालत देखो भाई, इतना इतना कोई मारता है क्या यार। मुकेश अंबानी कितने आदमी थे, 2 सरकार, 2 ही आए और दोनों ने ही आग लगा दी। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ऐसी और ज्यादा वीडियोस के लिए।